मेरे पिता की मृत्यु के बाद के घंटे उच्च गगन छूंदी इमारतें, उन्होंने वह सिंहासन जब्त कर लिया जो सही मायने में मेरा था। और मेरे पिता और पुत्र की स्मृति से मैं वादा करता हूँ कि उन्हें उनके किए की कीमत चुकानी पड़ेगी। मुनार के समर्थक जो चाहे विश्वास करें, पर बेचारे वह है जो सफल होने के लिए आगे बढ़ता है। मैं उनमें से किसी की तरह उग्र हूँ। तुम्हें यह समझने की कोई भावना नहीं है कि तुम्हें उस सिंहासन पर बिठाने के लिए क्या क्या त्याग किए गए थे। युद्ध लड़ा जाएगा और विजेता अंत में सिंहासन पर चढ़ेगा। मैं इस युद्ध को लड़ना चाहता हूँ और हर हाल में जीतना चाहता हूँ। राजा विश्रीस की मृत्यु के बाद घंटों में कुछ गलतियाँ हुई। मैं अब राज्य के भले के लिए नहीं बल्कि प्रतिशोध की संतुष्टि के लिए याद करता हूँ। तो फिर युद्ध की ओर। मैंने अपने घर और राज्य की सेवा करने की कोशिश की, किसी तरह इसका कोई मतलब नहीं। कोई युद्ध देवताओं के लिए उतना घृणित नहीं होता जितना कि सगे संबंधों के बीच युद्ध। और ड्रैगन्स के बीच का युद्ध सबसे खूनी होता है। राजा जल्द ही अपने आप को फाड़ देगा। पुरुष राजा विश्रेया है और उनके वास्तविक उत्तराधिकारी को खाई गई शपथ को नहीं याद रखा। जब मरना जलाने की इच्छा पकड़ती है और कारण भूल जाता है, वो शायद याद रख पाएंगे कि युद्ध की शुरुआत में क्या हुआ। अगर तुमने शुरू किया होता